हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। ये फाइनल जजमेंट नहीं है। झारखंड पुलिस 4/2015 का जो मामला आप लोग देख रहे होंगे अभी वायरल हो रहा है, नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व जेएसएससी को किया नोटिस जारी। आपको हेल्प करना पड़ेगा, फिजिकली हो, आर्थिक रूप से हो, जैसे भी हो, अभी फाइनल जजमेंट नहीं है, फाइनल निर्णय नहीं आया है कि आपका नौकरी हो ही गया है। तो जो भी जरूरत महसूस होगी तो आपको हेल्प करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी जो इसके लीडर्स हैं वो सभी आपको बता ही देंगे, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने मैसेज देख रखा है। तो उन्होंने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगा आपको बुलाया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी पीछे हटना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए बात क्या था। अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित रिक्त सीटों को अगली वैकेंसी में नहीं भेजा जा सकता। सही बात है, इन सीटों और क्या ये बात है, इन्होंने उदाहरण भी दिया है। इससे ये साबित होता है कि आप लोगों का वैकेंसी और क्षेत्रीय आरक्षण जो है वो आना लगभग लगभग तय हो चुका है। तो इन सीटों को वर्तमान वैकेंसी में ही भरा जा सकता है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, ठीक है। ये प्रभात खबर का न्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बस 2015 में शुरू भी वही है, कॉन्स्टेबल वैकेंसी आप लोग जान रहे हैं, SLP दायर हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट में। झारखंड सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं SLP को स्वीकार किया जाए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है, ठीक है। और इसमें मामला क्या था ये तो आप लोग जानते ही हैं, 72 सीट था। उसमें से देखिए अगर रिजल्ट आएगा तो अब 2430 पद पे आने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात होगी। इसमें जो भी लड़के पासिंग मार्क्स लाए हुए हैं, फिजिकल अगर किए हुए हैं, तो उनका ज्वाइनिंग निश्चित हो जाएगा। अगर ये फाइनल जजमेंट कुछ दिन में अगर आ जाता है तो आपका नौकरी पक्का है और लगभग सभी स्टूडेंट का हो जाएगा। ये खुशखबरी है, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है आपके लिए। बाकी यहाँ देख लीजिए, ये सभी पद क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए रिजर्व थे, ठीक है। ये बात सही है, महिला आरक्षण अभ्यर्थी के नहीं रहने के कारण वह रिक्त रह गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय आरक्षण में सीटों पर नियुक्ति नहीं की गई। इन मामलों में पुरुष अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दायर की थी, जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया। उसके बाद और भी खारिज कर दिया यहाँ हाईकोर्ट में, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई। इतना तो ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, इससे पूर्व अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित रिक्त सीटों को अगली वैकेंसी में नहीं भेजा जा सकता। इसका कारण इन्होंने यह दिया है, उनकी नियुक्ति की जाएगी लेकिन दूसरी वैकेंसी में सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता श्री टंडन ने सौरभ यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में पारित आदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि क्षेत्रीय आरक्षण में संबंधित ऐसा आदेश दिया जा चुका है, हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। उन्होंने रिक्त सीटों पर उसी वैकेंसी के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरने का आदेश देने का आग्रह किया है। ये सबसे बड़ी बात है इस न्यूज का, ये आप लोग देख लीजिए, ये आपके काम की बात है। सुप्रीम कोर्ट 2021 में, और सुप्रीम कोर्ट में बता देता हूँ कि इस तरह का मैटर अगर आ जाता है, और अगर उदाहरण आप उसको मिल जाता है कि इस तरह का हम केस दे चुके हैं जजमेंट, तो फिर ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं है, उसी को जो है सबमिट करते हुए उस केस को डिग्री दे दिया जाता है। और इस स्थिति में यही होना है कि आपके केस को भी डिग्री मिल जाना है, और अगर डिग्री मिलेगा तो समझ जाइए जो पासिंग नंबर्स लेके आए हुए हैं उनका भी सिलेक्शन निश्चित है, और 2430 पद पर जो है वो आपका फिर से मेरिट आ जाएगा। और मेडिकल वगैरह का बात जो है वो बाद का बात है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले लिस्ट आने दीजिए। इसके लिए आपको सहयोग करने का अभी भी जरूरत है, अभी भी जो है पीछे नहीं हटना है, और ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जिस तरह से भी इसके जो हैं लीडर्स जो हैं, अगर आपको सहयोग मांगते हैं तो करना होगा, और जिस तरह से भी होगा आगे का जो है रणनीति और भी तय की जाएगी उनके द्वारा, तो उसमें सहयोग आपको ज़रूर करना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो बातचीत होते रहेगा, और वहाँ पे आपका भी जो है मैसेज को देखा जाता है सभी के द्वारा, अगर सही रहने पे उस पर भी अमल किया जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी ये तो खुशखबरी की बात है कि अगर ये चीज़ हो गया है तो लगभग लगभग आपका अब रिजल्ट आना लगभग तय है, लेकिन अभी भी 100% श्योर नहीं है। अभी तो है, उनको नोटिस जारी हुआ है, उनका देखिए उनका क्या जो आंसर जाता है वहाँ पे, और उसके बाद जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय लेगी। लेकिन बात 2021 वाला जो मैंने कहा सौरभ वाला, कि जजमेंट इस तरह दे चुका है, तो वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अब JSSC और सरकार का नोटिस का कोई काम यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, प्रभात खबर में भी दिया हुआ है, सिपाही बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार और JSSC को नोटिस। तो ये नोटिस का इंतजार रहेगा, अब ये इन्होंने क्या जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी अगर इनका जवाब गोलमोल रहा तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बाकी चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का खुशखबरी वाला न्यूज़ अब आपको लगातार मिलते रहेगा, और आपका ज्वाइनिंग तक मैं आपको साथ देता रहूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बटन दबा देना और चैनल पर जरूर बने रहना।